हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सब की खाट खड़ी होने वाली है क्योंकि एक बढ़िया सी वेब सीरीज फिर से दस्तक दे रही है। जी हाँ दोस्तों, हंटर ऐप पर एक नई वेब सीरीज आने वाली है जिसका नाम है खाट। अभी फ़िलहाल तो इसका पोस्टर रिलीज़ हुआ है, लेकिन ये पोस्टर काफ़ी मज़ेदार है। जी हाँ, इसमें एक दुल्हन बनी हुई नई अदाकारा ने अपना जलवा बिखेरा है। अभी ये अदाकारा का नाम क्या है उसको लेके तो अभी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि एक्ट्रेस बिल्कुल नई है तो इसका नाम मैं भी नहीं जानता। अगर आपको मालूम है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जी हाँ दोस्तों, बात करें इस वेब सीरीज़ के बारे में तो भी इस वेब सीरीज़ का सिर्फ पोस्टर रिलीज़ हुआ है, लेकिन हंटर पर ये वेब सीरीज़ आ रही है तो हंटर तो चलने वाले है। और हम सीन सस्पेंस की बात करें तो हमें मालूम ही है कि हंटर पर जिस तरह की वेब सीरीज़ आती है सीन सस्पेंस को लेकर थोड़ी लिमिटेशंस होती है, लेकिन सीन्स काफ़ी बढ़िया होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और हंटर वाले जिस तरह से अभी नई नई अदाकारा को लॉन्च कर रहे हैं, लगता है कि हंटर पर लेवल फिर से पुराने वाला अप होने वाला है। जी हाँ, बीच में इश्यू आया था, हंटर पर कुछ लिमिटेशंस आ गई थी और पुरानी वेब सीरीज़ को डिलीट करना पड़ा था, लेकिन वो अभी सारी वेब सीरीज फिर से रिलीज़ हो रही है। शायद उनका नाम चेंज होता है, लेकिन वेब सीरीज़ फिर से रिलीज़ हो रही है और सीन सस्पेंस भी फिर से पहले जैसे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। यानी जो लेवल पहले वेब सीरीज़ का था वो वही लेवल अब फिर से इस वेब सीरीज़ के अंदर वापस आने का चांसेस बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो अभी ये खाट वेब सीरीज़ के अंदर भी हमें एक्सपेक्टेशन है कि कुछ ना कुछ तो बढ़िया सीन सस्पेंस हो गया और बढ़िया ड्रामा होने वाला है, क्योंकि अदाकारा नहीं है तो कोई भी नई अदाकारा जब वेब सीरीज़ के अंदर आती है तो वो अपना 100% देती है, क्योंकि उसे भी अपनी फॉलोइंग बढ़ानी होती है। तो इस बार देखते हैं कि इस खाट वेब सीरीज़ के अंदर ये नई अदाकारा किस तरह की खाट तोड़ती है या आपकी खाट खड़ी करती है, सब कुछ वेब सीरीज़ देखने के बाद ही पता चलेगा। जी हाँ, इस अपकमिंग वेब सीरीज़ को लेकर आप कितने एक्साइटेड हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ऐसी ही अपकमिंग वेब सीरीज़ की अपडेट जानने के लिए अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।